दोस्तों नमस्कार। हो सकता है कि जब आप मंडे को ऑफिस जाएं, तो उस ऑफिस के आगे आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिले जिसमें लिखा हो कि ये ऑफिस बंद हो चुकी है, या आप किसी शॉप में काम करते हैं वहां जाएं तो उस शॉप के ऊपर लिखा हो कि ये शॉप अब बंद हो चुकी है, या किसी आप कंपनी में काम करते हो तो उसके आगे बोर्ड लगा हो कि ये कंपनी बंद कर दी गई है, या आप किसी कंपनी में जाएं और उसके गार्ड जब आपको बोले कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से लोगों की छटाई शुरू हो गई है, क्योंकि कंपनी अब आपका तनख्वाह नहीं उठा सकती, कंपनी के पास कारोबार नहीं है। दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आंकड़ा आया है जिसके मुताबिक तकरीबन 680,000 कंपनियाँ 2019 में बंद हो गई। ये आंकड़ा MCA का आंकड़ा है। ये जो 680,000 कंपनियाँ बंद हुई है 2019 के आंकड़े के मुताबिक, इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और उसके बाद दिल्ली में। 1,42,000 कंपनियां बंद हुई महाराष्ट्र के अंदर में और 1,25,000 के करीब दिल्ली के अंदर में ये कंपनियां बंद हो गई है, जो छोटी छोटी कंपनियां थी। तो हो सकता है कल जब आप जॉब के लिए जाएं तो आपकी कंपनी के आगे भी बोर्ड लगा हुआ मिले। इतना ही नहीं है, इसके अलावा तकरीबन देश के बड़े बड़े 1700 जो मॉल है उसके अंदर में करीबन 19,000 छोटे मोटे दुकान वहाँ पे बंद हो गए। अगर आप दिल्ली NCR की बात करें तो तकरीबन 40% छोटे या मझोले उद्योग बंद हो चुके हैं आज के डेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CCD के संस्थापक सिद्धार्थ ने आत्महत्या की। उन्होंने अपने चिट्ठी में जो लिखा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उनको हरेस किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि सिद्धार्था एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे तो उनका नाम भी आया, चर्चा भी हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसे आदमी की आपको कहानी बताने जा रहा हूँ जिसकी खबर तक शायद नहीं छपती है, उसका चर्चा नहीं होता है। और ये जो सिस्टम की एक एक्सटॉर्शन है, जो सिस्टम से परेशान करने वाली बात है, अगर आप सत्ता के साथ नहीं है तो आपके पीछे एजेंसी लगेगी, चाहे आप बिजनेसमैन हो चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। जून 2019 की घटना है, साजन पेराइल बरसों नाइजीरिया में गुजारता है, कर्नाटका छोड़ के वो नाइजीरिया में बरसों गुजारता है इस उम्मीद के साथ में कि कुछ पैसे जोड़ के वो वापस अपनी धरती पे लौटेगा, भारत वापस आएगा और कुछ काम करेगा। 15 करोड़ रुपया पूंजी जमा करके वो भारत आता है। सालों नाइजीरिया में गुजारने के बाद अपनी जमा पूंजी के साथ वो भारत वापस आता है और एक कन्वेंशन सेंटर खोलता है, और उस कन्वेंशन सेंटर जब बन के वो तैयार हो जाता है तो उसके लाइसेंस के लिए वो दर-दर चक्कर मारता है। वो कन्वेंशन सेंटर के लाइसेंस के लिए एक ऐसे आदमी को अप्रोच करता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो बैठे थे उनका नाम सुन के भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस सेंटर को खोल के दिखा दो। लाख जद्दोजहद के बाद भी जब उसको लाइसेंस नहीं मिलता है तो साजन सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो अपनी सारी जमा पूंजी कन्वेंशन सेंटर को खोलने में लगा चुका था। ये वो सिस्टम की चीजें हैं जिसकी खबर नहीं आने दी जाती है और कोई ध्यान भी नहीं देता जब तक अपने ऊपर नहीं गुजरती है। तो क्या यही है ईज ऑफ बिजनेस? और ये ईज ऑफ बिजनेस किसके लिए है? दूसरा, आप उसका नाम भूल गए होंगे, शायद पढ़ा भी नहीं होगा, नीरज कुमार। नीरज कुमार एक फ्लोर मिल का मालिक था। एक जूनियर इंजीनियर ने उसको इतना परेशान किया कि वो तंग आकर उसने सुसाइड कर ली। प्रकाश पांडे BJP के दफ्तर में जाके वो जहर खा लेता है। और सुबोध उनियाल जो उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो उनके जनता दरबार में जाता है और कहता है, परेशान होता है कि डिमोनेटाइजेशन और GST की वजह से उसकी ट्रांसपोर्ट की बिजनेस की वाट लग गई है और उसका बिजनेस सत्यानाश हो चुका है, और वो वहीं पे जहर खा लेता है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों एक आम आदमी की बात, राजेश नाम का एक कैब ड्राइवर, उसको पुलिस इतना परेशान करती है, ये चेन्नई की घटना है, और एक नो पार्किंग की जगह पे वो खड़ा था, पुलिस उनको उसको इतना हैरास करती है, उसको गाली देती है, उसकी सवारी भी उसके साथ में थी, उसको इतनी आत्मग्लानी होती है कि वो जाके ट्रेन के नीचे कट जाता है। यही है ईज ऑफ बिजनेस। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि घटनाएं तो बहुत है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई है, लेकिन हम सब लोग उस चीज़ को भूलते चले जाते हैं जब तक कि अपने आप पे नहीं बीतती है। ये ईज़ ऑफ बिजनेस का फ़ायदा सिर्फ उनके लिए है जो सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ खड़े रहेंगे। राहुल बजाज साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, बजाज कंपनी के CMD साहब ने,
जब वहां से भी चिल्लाहट की आवाज आनी शुरू हो गई है। ऑटो सेक्टर में हजारों लोगों की नौकरियां, अभी आज ही न्यूज आया है कि वो निकालने को जा रहे हैं। अब बात करते हैं जिस तरह से फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। सरकार इस आंकड़ा को सन 2015 के बाद रिलीज नहीं कर रही है ऑफिशियल तौर पे। सन 2015 में तकरीबन 22 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे थे। वहीं पे 2016 की रिपोर्ट आई कि 16 या 17 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आंकड़े आने अब बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 2018 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 639 किसानों ने सिर्फ 5 जिलों में आत्महत्या की। वो हजारों के तादाद में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी क्या बनी और क्यों नहीं बनी अभी तक, जो कि हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से तरह तरह के बिल लोकसभा राज्यसभा में पास किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों के बारे में क्या हुआ, रोजगार के बारे में क्या हुआ, हेल्थ के बारे में क्या हुआ, एजुकेशन के बारे में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से बेरोजगार होते जा रहे हैं, किस तरह से लोगों की रोजगार जा रही है, किस तरह से बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रही है, किस तरह से कंपनी बंद होने के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, किस तरह से ऑटोमोबाइल की जो हाल है पिछले दशक में सबसे बुरा हाल से आज वो गुजर रहा है, इन सब चीजों पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। इसके लिए क्या रेमेडीज निकाले जा रहे हैं, क्या समाधान निकाले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। जून 2019 की घटना है, एक ही दिन में 7 सीवर क्लीनिंग के जो मजदूर हैं उनकी जान चली जाती है जहरीली गैस की वजह से। आज तक उनकी जानें जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक हर 5 दिन में एक सीवर क्लीनिंग करने वाले मजदूर की मौत हो जाती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के एक आंकड़े के मुताबिक 2017 के शुरुआत से लेकर के 2017 के सितंबर तक ही तकरीबन 123 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी थी सीवर में। वहीं पे 1993 से लेकर के 2019 तक तकरीबन 650 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है सीवर क्लीनिंग के मामले में। आखिर इनका बिल कब आएगा, आखिर इनको सुविधाएं कब दी जाएगी, कोई अता पता नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे, चाहे आप स्टूडेंट की आत्महत्या की बात करें, जो जॉबलेस यूथ हैं आज के डेट में उनकी बात करें, जिनकी जॉब है उनकी जॉब जो जा रही है और फिर वो कैसे जिंदा रहेंगे उसकी बात करें, उसके बाद सरकार की तरह तरह की पॉलिसियां, जो स्वरोजगार कर रहे थे उस बाजार को भी कॉरपोरेट के हाथों में दिया जा रहा है, तो आखिर ये पॉलिसी जो बन रही है किसके लिए? भारत की जनता जो टैक्स देती है, सब कुछ करती है, जिससे सरकार चलती है, उसके लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। सिस्टम की हम बात करें, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जो छोटे लोग व्यापार कर रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी किस तरह से उद्योग बंद होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम के द्वारा सताया जाता है, उनका जो एक शोषण किया जाता है, उनमें से कितने को सजा होती है, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर को या जो इस सिस्टम के थ्रू किसी को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, किसी को सजा हुई आज तक? मैं बात अगर करूं, बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं, बहुत से बच्चों की जान चली जाती है, क्या उसका जो जिम्मेवार था किसी को सजा हुई आज तक? आखिर क्यों नहीं होती है? सवाल यहाँ पे है, ये है कि ये बिल, ये कानून, ये सब चीज़ें किसके लिए बनाया जा रहा है? क्या सिर्फ उन कॉरपोरेट्स को फायदा होना चाहिए जो सरकार के साथ खड़े हैं? मैंने सफाई कर्मचारी की मौत के आपको आंकड़े गिनवाए, आपको किसानों की आत्महत्या देख लीजिए, बिजनेसमैन की आत्महत्या देख लीजिए, कंपनी बंद होने की वजह से कितने लोग आत्महत्या करते हैं, जिनकी शायद डेटा भी नहीं, हम लोगों के पास नहीं आता, आप लोगों के पास नहीं आता, नहीं जान सकते आप। तो देश में जो ये सारी चीज़ें चल रही है, जिसको बड़ी खूबसूरती से जो तथाकथित गोदी मीडिया हैं वो चला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार ही अलग कर लिया, गुणगान का व्यापार शुरू कर लिया, तो इसे आखिर दिखाएगा कौन? जिस तरह से RTI की को अपने कब्जे में कर लिया गया है, तो आप तक आंकड़े भी नहीं पहुंचेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्थिति क्या है देश की? स्थिति देश की वही होगी जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको आंकड़े बताए कि कंपनियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की रिकॉर्ड टूट रही हैं, धंधे लोगों के बंद हो रहे हैं, छोटे मझोले व्यापार बंद हो रहे हैं, छोटे मझोले दुकानें बंद हो रही है, आखिर रोजगार लोगों को आएगा तो आएगा कहाँ से? तो इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में कौन सा बिल पेश किया जा रहा है? वहीं हम अगर बात करें तो रोड पे चलने के फाइन को इस तरह से बढ़ा दिया गया है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, जो रोजगार कर रहे थे टैक्सी वाले वो चलाएंगे, खुदा ना खास्ते कुछ हो गया तो शायद वो अपनी गाड़ी बेच के भी उस फाइन की भरपाई नहीं कर पाएंगे। जो रोजी रोजगार से जुड़े चीज़ें थी
वो बड़ी चालाकी से कॉरपोरेट के हाथ में, और जो स्वरोजगार की मार्केट थी वो भी बड़ी चालाकी से कॉरपोरेट के हाथ में। तो इंसान आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ, ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, इस बीच आप जब बेरोजगार हो जाएंगे तो आपके लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भरपूर व्यवस्था की गई है कि आप बोर फील नहीं करेंगे घर पे भी, और आप लगे रहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया में देखते रहिए यूट्यूब पे पिक्चर, ये आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है इंटरनेट सस्ता करके, तो आप लोग लगे रहिए। लेकिन जब अपने पे गुजरती है तो समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है। जो चीज़ है आपके सामने है, आप खुद फैसला ले सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को, अगर आप व्हाट्सएप से बाहर थोड़ा सा निकल के इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।